पूरी तकरीर में किसी को नारे की इजाजत नहीं। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم في الترتي طور پہ ہر انسان कामयाबी की तलाश में है। कोई भी नाकामी को पसंद नहीं करता। कोई ज़िम्मेदार है या कोई कारोबारी है या कोई मुलाजिम है, हर ओहदे में, हर तबके में हर इंसान कामयाबी ही को पसंद करता है। लेकिन याद रखिए, कामयाबी सिर्फ उसको मिलती है जिसको अल्लाह अता करे। कईयों का ज़हन होता है बेटा मिल जाए तो कामयाबी है। आप जानते हैं कई बाप ऐसे हैं जिनको उनके बेटों ने ज़िबा कर दिए। कई समझते हैं कि दौलत हो तो कामयाबी है। आप जानते हैं कईयों की दौलत ने उनकी जान ले ली है। कई कहते हैं ज़मीनें अपनी हों तो कामयाबी है, मुरब्बा ज़मीन का हो। आप जानते हैं एक एक बलिश्त की वजह से लोगों की जानें चली जाती हैं। कामयाबी इन चीज़ों में नहीं है। कामयाबी उसको मिलती है जिसको अल्लाह अता करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद पढ़ते थे और कभी कभी नमाज के अंदर भी रुकू के बाद पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा अअतैता वला मुअतिया लिमा मनाता। अल्लाह जिसको तू दे दे उसको को रोकने वाला नहीं, जिससे तू रोक ले उसको को देने वाला नहीं। कामयाबी अल्लाह दे ही तो मिलती है। अल्लाह किसको कामयाबी अता करता है? मेरा और मिजाज है, आपका और मिजाज है। मैं अल्फाज सुनता हूँ, आप अल्फाज सुनते हैं। बेटा आपसे बात कर रहा है, आप उसके बात
अल्फाज सुन रहे हैं, उसके दिल में क्या है आप नहीं जानते। आपका भाई आपसे बात कर रहा है, आप उसके अल्फाज सुन रहे हैं, उसके दिल में क्या है ये आप नहीं जानते। अल्लाह कामयाबी किसको अता करता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कद अफलाह मन तज़क्का, कामयाब वो हो गया जिसने अपने अंदर को साफ कर लिया। अंदर में खोट नहीं है, हसद नहीं है, बुगज नहीं है, कीना नहीं है, अंदर साफ है तो दुनिया की कोई ताकत तुझे कामयाबी से नहीं रोक सकती। अगर अंदर गंदा है तो फिर रब की तरफ से नाकामी आ जाती है। अल्लाह की तरफ से नाकामी आ जाए तो नाकामी को भी कोई रोक नहीं सकता। पहले मैं और आप अपने अंदर को साफ कीजिए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है इन अल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसामिकुम वला इला अमवालिकुम वला इला अंसाबिकुम, अल्लाह तुम्हारी शक्लें नहीं देखता। ये कितना खूबसूरत है, इसके बाल कितने खूबसूरत है, इसके डिजाइन कैसे है, ये नहीं देखता। ना अल्लाह पाक तुम्हारे खानदानों को देखता है, ना अल्लाह तुम्हारे मालों को देखता है। ये सारी चीजें तो अल्लाह की अता है। अल्लाह कामयाबी देने के लिए क्या देखता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वलाकी यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, अल्लाह सबसे पहले तुम्हारे दिल देखता है, इसके दिल में क्या है। भाई के बारे में दिल कैसा है इसका, बाप के बारे में कैसा है, मां के बारे में कैसा है, दोस्त अहबाब के बारे में कैसा है, मोहल्लेदारों के बारे में, नमाजियों के बारे में, बरादरी के बारे में, इसका दिल साफ है या गंदा है। दिल के अच्छे बुरे होने पे फैसला होता है, इसलिए अपने दिल को पाक कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद का मकसद एक ये था कि आप हमें पाक करने के लिए आए, अंदर से भी पाक हो जाए, बाहर से भी पाक हो जाए। वल्लजी बासा फिल उम्मीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा, अल्लाह कहता है अनपढ़ों में मैंने अपना महबूब पैगंबर भेजा है, किस लिए? जो उनको वही सुनाए, वही सुना के क्या करे? पहला काम वयुज़क्कीहिम, उनके अंदर को पाक करे। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा, फिर उनको कुरान की तालीम दे, फिर उनको हदीस की तालीम दे। किताबो हिकमत की तालीम का तस्करा अल्लाह ने बाद में किया है, अल्लाह ने पहले ये कहा है इनके अंदर को साफ करो, अंदर की पाकी चाहिए। इसीलिए अल्लाह पाक ने कुरान पाक में 10 कसमें उठा के कहा है, 10 कसमें, कद अफलाह मन ज़क्काहा, कामयाब वो हो गए, औलाद उसकी आंखों की ठंडक बनेगी, कारोबार से उसको सुकून मिलेगा, जॉब से उसको सुकून और अमन मिलेगा, जिसने अपने अंदर को साफ कर लिया। और आगे अल्लाह कहता है वकद खाब मन दस्साहा, दुनिया की सारी दौलतें इकट्ठी कर ले, तेरे 10 बेटे भी हो जाए, तेरे पास महंगी और कीमती गाड़ियां भी आ जाए, अल्लाह कहता है वकद खाब मन दस्साहा, जिसका अंदर गंदा वो नाकाम ही नाकाम है, वो कामयाब नहीं हो सकता। पहले अपने अंदर को पाक कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की सबसे पहले तरबियत यह की है कि अपने अंदर के हसद को, बुगज को, कीने को निकाल दो। तुम्हारा दिल शीशे की तरह साफ होना चाहिए, ये नहीं ऊपर से बड़ा मीठ है अंदर से सांप छुपा हुआ है, सांप
और लोग भी कहते हुए दिखाई देते हैं, मौली साहब मैं तो इसको अपना बड़ा खैर खा समझता था, पता तो मुझे आप चला है जब इसने मुझे डसा है कि ये मेरा ऊपर ऊपर से खैर खा था, अंदर का तो ये सांप ही था। अल्लाह फरमाता है यौम ला यनफउ मालुम वला बनून इल्ला मन अतल्लाहु बिकल्बिन सलीम। दुनिया में भी कामयाबी सलीम दिल को मिलती है और क्यामत के दिन भी अल्लाह कहता है माल औलाद काम नहीं आएगा, हाँ जो साफ दिल लेकर आएगा उसको साफ दिल उसका बड़ा कीमती होगा। दिल को देख के अल्लाह तो जानता है इसके दिल में क्या था, दिल साफ हुआ अल्लाह क्यामत के दिन भी कामयाब कर देगा। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा पे मेहनत की है अंदर के बुगज को खत्म करने के लिए, अंदर के हसद को खत्म करने के लिए। आप जहां नमाज सिखाते थे, जहां रोजा सिखाते थे, जहां मामला सिखाते थे, वहां अंदर के बारे में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की तरबियत किया करते थे। सही बुखारी में सही मुस्लिम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम में तशरीफ फरमाए, आप दरस दे रहे, आप खुतबा इरशाद फरमा रहे, आप फरमाते हो मेरे सहाबा इन फिल जसद लमुज़गतन इदा सलाहत सलाहल जसद कुल्लु व इदा फसदत फसदल जसद कुल्लु। ओ मेरे साहबा गौर से मेरी बात सुनो, अल्लाह पाक ने जिस्म में से एक जिस्म के हिस्से को ऐसा मुकाम दिए, ऐसी अजमत दी है कि अगर वो टुकड़ा सही हो जाए पूरा जिस्म ठीक हो जाता है, वो खराब हो जाए पूरा जिस्म खराब हो जाता है। फिर आपने फरमाया अला गौर से सुन लो मेरी बात, अला तवज्जो मेरी तरफ कीजिए, अला वहियल कलम वो एक टुकड़ा दिल है, दिल ठीक पूरा जिस्म ठीक, दिल गंदा सारा जिस्म गंदा। दिल्ली तो मेरे साहेब फैसला करता है क्या करना है, दिल फैसला करके दिमाग को हुक्म देता है ये काम करने, फिर दिमाग उसकी सेटिंग करता है कि ये काम हो कैसे सकता है, फिर दिलो दिमाग वो सेटिंग करके पूरे अदा को उस काम पे लगा देते हैं। मेन ऑर्डर कौन करता है, दिल करता है दिल। इसलिए अश्शैतान जासिबुन अला कल्ब इब्ने आदम, शैतान आदम के बेटे के दिल पे जम के बैठता है। आप तो सारे समझदार हैं, डाकू जब गाड़ी को लूटते हैं तो ड्राइवर को काबू करते हैं, ड्राइवर पे कंट्रोल करते हैं कि इसको संभालो। शैतान भी दिल पे कंट्रोल करता है, कहता है आर्डर तो इसका चलेगा ना, इसको कंट्रोल में कर लो, फैसले इससे गंदे करवा लो, फिर जब ये गंदा हो जाएगा इसके फैसले भी गंदे हो जाएंगे, जब दिल के फैसले गंदे हुए हाथों का इस्तेमाल गंदा हो जाएगा, फिर आंखों का इस्तेमाल गंदा हो जाएगा, फिर जबान गंद पकेगी, फिर कान गंद सुनेंगे, सारे जिस्म सारे अज़ा गंदे हो जाते हैं जब दिल गंदा हो जाता है। इसलिए अपने इस दिल को पाक करने की कोशिश कीजिए, अल्लाह कामयाबी अता करता है जब दिल साफ हो जाते। बिदत बढ़ती जा रही है, सुन्नत मिटती जा रही है, और सुन्नत वालों तुम्हारे पास खालस दीन है लेकिन हमने अपने दिलों को गंदा कर लिया है। लड़ाइए अपनों के खिलाफ, झगड़े अपनों के खिलाफ, दिल साफ कर फिर तेरी दावत में असर होगा।
आप जानते नहीं, 5-10 साल पहले जुलूसों का को वजूद था, सिर्फ नूरानी कैदा पढ़ने वाले बच्चे इनके साथ जाते थे। अब देखा देखी हुल्लड़बाजी वाले वो सब बिदात में खुराबात में शामिल हो रहे, सुन्नत छोड़ रहे लोग। इसके असल मुजरम वो है जिनके पास खालस दीन है, वो अपने उलझाव में उलझे हुए। अपने उलझाव को खत्म कीजिए, रब के दीन का काम कीजिए। सहाबा इकराम ने अपने अंदर को साफ किया था, अंदर को समझाने वाले उनको मेरे महबूब पैगंबर थे, जो उनको कदम कदम पे वास करते थे। ला तहसदु, नाना अब हसद नहीं करना, हसद खत्म कर दो। वला तबागजु, दिल की दुश्मनी खत्म कर दो। कौनो इबादल्लाह इख्वाना, तुम जितने हो कम हो, कम हो सही, लेकिन सब एक तो हो जाओ। वो थोड़े थे लेकिन एक थे, इसलिए किसी मैदान में वो हारा नहीं करते थे। अल्लाह कामयाबी अता करने के लिए दिल देखता है, दिल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके देख दिल अपने साथियों के बारे में कैसे एक थे, एक। ये नहीं दस तो इस एक के दस तो खैर खाएं, 5 थोड़ा सा इससे कतराते, ऐसी बात सहाबा में नहीं थी। वो सब एक थे, दिल से भी एक थे। देख हुदैबिया के मुकाम पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली, शैतानी अफवाह फैली हुई थी कि आपके उस्मान को शहीद कर दिया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज्बात में आ गए, आपने फरमाया ओ मेरे साहबा, 1400 के करीब साहबा थे, 1400 के करीब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा इकराम को बोला ओ मेरे साहबा, मुझे इत्तला मिली है कि मेरे उस्मान को शहीद कर दिया गया। ऐसे करो, मेरे हाथ पे आके बैत करो, कौन है जो उस्मान का बदला लेगा मेरे साथ। उनके दिल हर एक के बारे में कितने साफ थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ निकाला, 1400 के 1400 सहाबा ने आपके हाथ पे मौत की बैत की थी, मौत की। अल्लाह के हबीब, हम अपने उस्मान का बदला लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे, बदला लेने में अगर हमें अपनी जान देना पड़ी हम जान लुटा देंगे। वो अपने एक साथी के लिए जान देने के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने जब जान की बैत की, अल्लाह पाक ने जिब्रील अमीन को भेज दिया, जाओ मेरे महबूब पैगंबर को कहो आपके हाथ पे 1400 के हाथ हैं और 1400 हाथों पे अल्लाह का हाथ है। जब तुम एक हो गए हो, अब किसी मैदान में तुम शिकस्त नहीं खा सकते। फिर अल्लाह ने कुरान नाजल किया, लकद रजी अल्लाह अनिल मोमिनीन इज युबायूनका तहत शजरा फालिमा मा फी कुलूबिहिम। अल्लाह कहता है जिन्होंने भी आपके हाथ पे दरख्त के नीचे बैत की है, अल्लाह इन सब पे राजी हो गए। अल्लाह ने दुनिया में कुरान नाजल कर दिया है, हालांकि ये रब की आखिरी नेमत है, आखिरी नेमत। सही बुखारी में, बुखारी शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब जन्नती जन्नत में सारी नेमतें इस्तेमाल कर चुकेंगे तो अल्लाह पूछेगा ऐ जन्नतियो कुछ बाकी तो नहीं बचा। अल्लाह अब क्या रह गया, अब तो तूने सारी नेमतें हमें अता कर दी। अल्लाह कहता नहीं,
एक मेरी नेमत बाकी है, वो क्या है? दीदार अल्लाह करवाएगा और फिर कहेगा उहिल्ला अलैकुम रिज़वानी, आज से जनतियो मैं तुम पे राजी हो गया हूं। ये जन्नत की आखिरी नेमत होगी। अल्लाह कहेगा जनतियो आज मैं तुम पे राजी हो गया हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब अल्लाह ये कहेगा ना मैं राजी हो गया हूं, कभी तुमसे नाराज नहीं होगा आज के बाद, उस वक्त जनती इतने खुश होंगे कि पिछली सारी नेमतें उनको भूल जाएंगे। ये जन्नत की आखिरी नेमत है जो अल्लाह की रजा वाली है, अल्लाह ने दुनिया में उतार दी। देखा ना मेरे महबूब पैगंबर के साहबा, तुमसे अल्लाह आज ही राजी हो गए। क्यों राजी हुआ है? अल्लाह कहता है फअलिम मा फी कुलूबिहिम, अल्लाह ने जान लिया है इन 1400 के दिल में क्या है। अल्लाह राजी हुआ है इनके दिलों को देख के। तुमने अपने एक साथी के लिए जानों के नजराने कुर्ब पेश करने के लिए तुम तैयार हो गए हो, अल्लाह कहते हैं इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, ओ मेरे पैगंबर आज से अल्लाह तुमसे वादा कर रहा है कि अल्लाह बगैर लड़ाई के इस मक्का को आपके लिए फतह कर देगा। आखरत की कामयाबी भी दिलों की सफाई से, दुनिया की कामयाबी भी दिलों की सफाई से मिलती है। इसलिए अल्लाह पाक ने कुरान पाक में 30 सिपारे जिक्र कर दिए। 30 सिपारे, पहला सिपारा पढ़ जाओ, 5 पढ़ जाओ, 10 पढ़ जाओ, 15 सिपारे, 20 सिपारे, 25 सिपारे पढ़ गए, अंदर साफ नहीं हुआ कोई फायदा नहीं। 29 सिपारे जिक्र करने के बाद अल्लाह ने 30वें सिपारे का जिक्र किया, फिर अल्लाह ने 10 कसमें उठा के कहा अब तूने 30 सिपारे पढ़ लिए, कद अफलाह मन ज़क्काहा, कामयाबी तुझे फिर मिलेगी जब तू अपने अंदर को साफ करेगा। भाई के बारे में तेरा दिल साफ हो, बहनों के बारे में दिल साफ हो, कजनों के बारे में साफ हो, मामों के बारे में साफ हो, चाचाओं के बारे में, माँ के रिश्तेदारों के बारे में भी, बाप के रिश्तेदारों के बारे में भी, दिल तेरा साफ है तुझे फिर कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर तूने 30 के 30 सिपारे पढ़ लिए, रट लिए, तर्जमा तशरीह तफसीर सारा इलम तूने पढ़ लिया, वक़द ख़ाब मन दस्साहा, लेकिन तेरा अंदर गंदा रहा, अल्लाह कहता तू बर्बाद हो गया, तू दुनिया में भी बर्बाद है, तू मौत के बाद भी बर्बाद है। इसलिए मैं भी अपने अंदर को साफ करूं, आप भी अपने अंदर को साफ कीजिए, इसी में दुनिया आखरत की कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। वक़ुलु क़ौली हाज़ा, अस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन।